इस दिन की शुरुआत एक आम दिन की तरह हुई थी। नीला आसमान, सफेद बादल और सूर्य की आती हुई किरणें, सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। लोग अपने रोजमर्रा के काम में व्यस्त थे और अपने दिनचर्या के बीच वो इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि अंतरिक्ष की गहराई में कुछ असाधारण घटित होने जा रहा है। एक ऐसा संयोग जो हजारों वर्षों से इस धरती पर रह रहे उनके इस अस्तित्व की नींव को हिला कर रख देगा। दरअसल इस सुबह जब इसरो के वैज्ञानिक नींद से जागे और उन्होंने एक नियमित जांच के तहत ब्रह्मांड में अपना टेलीस्कोप घुमाया तो वो एक पल के लिए एकदम हैरान रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। एक विशाल काय उल्का पिंड, जो पृथ्वी से अधिक दूर नहीं था, वो पृथ्वी की ओर काफी तेज गति से आगे बढ़ता चला जा रहा था। वैसे तो उल्का पिंड का पृथ्वी की तरफ आना एक साधारण घटना थी, क्योंकि ये अक्सर ही पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते थे और फिर घर्षण की वजह से भस्म हो जाते थे। पर यह उल्का पिंड उनसे आकार में सैकड़ों गुना बड़ा था। यह कोई सामान्य अंतरिक्ष चट्टान नहीं था, यह प्रलय का अग्रदूत था, एक ऐसा खतरा जो हमारे ग्रह पर अनकही तबाही लाने के लिए तैयार था। पर वैज्ञानिक अभी इस बात को लेके असमंजस में थे कि ये उल्का पिंड वाकई में धरती से टकराएगा या फिर बृहस्पति और शनि जैसे ग्रह इसे अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से अपनी ओर खींच लेंगे। और इसी भय से भारी दिल के साथ वैज्ञानिक इस उल्का पिंड के प्रक्षेप पथ को समझने के लिए एक उन्नत मिशन पर निकल पड़े। पर प्रत्येक गिनती, प्रत्येक अवलोकन उन्हें एक ही गंभीर निष्कर्ष की ओर इशारा कर रही थी। डायनासोर युग के जैसे इस उल्का पिंड का धरती के साथ भीषण टक्कर और इस सर्वनाश का पार पाना या रोक पाना असंभव लग रहा था। मानव जीवन का अंत पृथ्वी से इस प्रकार होगा, यह बात शायद ही किसी ने सोच रखी होगी। पर अभी भी वैज्ञानिक इसको लेकर आशावान थे। उन्हें विश्वास था कि वो इस भीषण आपदा से पृथ्वी और पृथ्वीवासियों को सुरक्षित करने के लिए किसी न किसी नए तकनीकी का निर्माण या खोज कर ही लेंगे। पर क्या इस दुर्भाग्य की दिशा बदलने के लिए अभी भी कुछ किया जा सकता था? क्या ऐसी कोई तकनीक अभी से भी इजाद की जा सकती थी जो धरती से जीवन का अंत रोक सके, और अगर हाँ तो कैसे? 72 घंटों के लगातार आकलन और विश्लेषण के बाद वैज्ञानिकों ने इस उल्का पिंड की पूरी जन्म कुंडली खंगाल ली है और इसे डायनासोर एज एस्ट्रॉइड पार्ट 2 का नाम दिया गया है। दरअसल इसके पीछे की वजह इस उल्का पिंड का आकार है, जो कि डायनासोर युग के वक्त पर धरती से टकराई थी। यह तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर क्षेत्रफल जितना लंबा है, अर्थात अगर इसकी टक्कर धरती से होती है तो यह 15 किलोमीटर के क्षेत्रफल को धूल में मिला ही देगा। साथ ही इसका असर इतना खतरनाक होगा मानो धरती पर एक साथ कई परमाणु बम विस्फोट कर दिए गए। वहीं इस उल्का पिंड के कक्षीय विश्लेषण करके और इसका अनुकरण करके वैज्ञानिकों ने इसके पृथ्वी के साथ टक्कर की तारीख का भी अंदाजा लगा लिया है। दरअसल यह अभी हमारी धरती से 1,26,00,000,000 किलोमीटर की दूरी पर है और इसकी गति 20 किलोमीटर प्रति सेकंड है, और इस गति से उसे धरती में टकराने में लगभग 2 साल का वक्त लगेगा।
अर्थात धरती पर जीवन के अंत की संभावित तिथि 15/12/2070 है। यानी कुल मिला के वैज्ञानिकों के पास अभी मात्र 17,500 घंटे का ही वक्त बचा है, और इस छोटे से वक्त में उन्हें उन तरीकों की तलाश भी करनी है जिससे इस उल्का पिंड को रोका जा सके और धरती के अधिकतर आबादी को एक कयामत से बचाया जा सके। पिछले एक माह में वैज्ञानिकों ने उन तकनीकों पर शोध किया है जो उस उल्का पिंड को धरती से टकराने से रोक सके। कुल ऐसे 4 तरीके हैं जिनकी मदद से इस आपदा को संभावित रूप से रोका जा सकता है या फिर इससे होने वाली क्षति को कम किया जा सकता है। जो कि एक प्रकार का अंतरिक्ष यान होगा और उल्का पिंड से टकराने और अपना रास्ता बदलने में माहिर होगा। इसकी मदद से सबसे पहले वैज्ञानिक एक अंतरिक्ष यान का चुनाव करेंगे और उसे अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करेंगे। जैसे ही यह यान उल्का पिंड के समीप पहुंचेगा, यह अपनी पूरी गति के साथ उसके साथ टक्कर करेगा, जिसके परिणाम स्वरूप उस उल्का पिंड की दिशा बदल जाएगी और वो धरती के समीप से निकल जाएगा। हालांकि इस पूरे समाधान में संभावित खतरा ये है कि इस टक्कर के क्रम में अगर उल्का पिंड के टुकड़े हो गए तो यह धरती पर आग के गोले की तरह बरसेगा और यहाँ कई महीनों तक भयानक तबाही मचाएंगे। भले ही यह समाधान थोड़ा विवादपूर्ण है, पर वैज्ञानिक पृथ्वी को सुरक्षित करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। इस प्रक्रिया के तहत वो एक परमाणु बम को उस उल्का पिंड की तरफ प्रक्षेपित करेंगे और जैसे ही वो उसके समीप होगा, वे परमाणु बम को विस्फोट कर देंगे। अब ये विस्फोट इतना खतरनाक होगा कि इसके संपर्क में आते ही उल्का पिंड का एक पूरा हिस्सा वाष्प बन जाएगा और साथ ही यह अपने रास्ते से भटक जाएगा और किसी और ग्रह की तरफ अग्रसर हो जाएगा। पर काइनेटिक इंपैक्टर के सापेक्ष में यह विकल्प धरती के लिए ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि इससे भी थोड़ी चूक होगी और यह पूरा पिंड हजारों टुकड़ों में बट जाएगा और धरती पर आग के गोले की तरह बरसेगा। और तो और, परमाणु हथियार के इस्तेमाल से धरती और धरतीवासियों को नुकसान पहुंचेगा वो तो अलग है। जिसमें एक अंतरिक्ष यान में आयन थ्रस्टर्स लगाकर इसे उल्का पिंड के पास भेजा जाएगा और यह अपने थ्रस्टर की मदद से उस उल्का पिंड को अपनी राह में भटकाने की कोशिश करेगा। अब यह समाधान सुनने में ज्यादा सुरक्षित लग रहा है, पर वैज्ञानिकों के अनुसार इसके सफल होने की संभावना 50% से भी कम है। और अंतिम समाधान के रूप में वैज्ञानिक विखंडन प्रक्रिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि विज्ञान के अनुसार अगर यदि उल्का पिंड विक्षेपण के लिए बहुत बड़ा या पृथ्वी के बहुत करीब है तो इसे छोटे टुकड़ों में विभाजित करना ही एकमात्र विकल्प हो सकता है। इसमें उल्का पिंड को अधिक छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए कई विस्फोटकों को इस्तेमाल में लाया जा सकता है, जिससे यह पिंड काफी छोटे टुकड़ों में बट भी जाएगा और धरती के वायुमंडल में प्रवेश होते ही जलकर भस्म भी हो जाएगा। तो वैज्ञानिकों के पास ये 4 विकल्प मौजूद थे और अब फैसला उनका था कि आखिर वो इनमें से किसका चुनाव करें ताकि ज्यादा से ज्यादा खतरे को टाला जा सके।
और तो और इसके असफल होने के अवसर भी नगण्य हों। और तकरीबन 48 घंटों के विचार विमर्श और तर्क वितर्क के बाद यह फैसला हुआ कि वैज्ञानिक इस पूरी आपदा से निपटने के लिए विखंडन विधि का उपयोग करेंगे और जितना हो सके इस उल्का पिंड को छोटे से छोटे टुकड़ों में विभाजित करने का प्रयास करेंगे। विखंडन प्रक्रिया के इस्तेमाल के निर्णय को अब तकरीबन 3 महीने से भी ज्यादा बीत चुके हैं। इस बीच न सिर्फ धरती वासियों की धड़कनें तेज हो रही हैं, बल्कि खुद देश दुनिया के वैज्ञानिक इस पूरी घटना को लेकर एकजुट होकर काम करने में लग चुके हैं। वो एक ऐसे अंतरिक्ष यान का निर्माण कर रहे हैं जो विखंडन की प्रक्रिया को काफी सुचारू रूप से कर सके। उन्होंने वो सारे विस्फोटक सामग्री पहले ही निर्माण कर ली है जो उस विशाल काय उल्का पिंड को महीन टुकड़ों में विभक्त कर सके। कंपोजिशन BRDX, HMX डिटोनेटर, TETN एक्सप्लोजिव, अमोनियम नाइट्रेट और C4 जैसे प्लास्टिक एक्सप्लोजिव का उन्होंने पिछले 6 महीनों में भारी मात्रा में निर्माण किया है, जो कि ऐसे मिलिट्री ग्रेड विस्फोटक हैं जिसके प्रभाव से उस उल्का पिंड के टुकड़े आसानी से किए जा सकेंगे। हालांकि ये असल में कितना आसान होगा यह कहना फिलहाल थोड़ा कठिन है। वहीं अंतरिक्ष यान पर वैज्ञानिक हर पल, हर मिनट, हर घंटे लगे हैं ताकि न्यूनतम अगले 6 महीने में इसे पूरा किया जा सके और एक बार इसका परीक्षण किया जा सके। उन्होंने इस पूरे यान की संरचना का निर्माण इतना मजबूत और टिकाऊ कराया है जिससे यह उल्का पिंड के साथ उच्च गति के प्रभाव को झेलने में भी सक्षम हो सके और गंभीर क्षति के बिना ही पिंड के साथ टकरावों के दौरान उत्पन्न गतिज ऊर्जा को अवशोषित कर सके। वहीं अगले महीने में वो इसके प्रक्षेपण प्रणाली पर काम करने वाले हैं ताकि इसके द्वारा एक सटीक समायोजन किया जा सके जिससे कि यह अंतरिक्ष यान अपने लक्ष्य पिंड तक सही कोण, गति और प्रक्षेप पथ के साथ हमला कर सके। और अंत में 400 दिनों के कठिन परिश्रम और निरंतर मेहनत के बाद वैज्ञानिकों ने विखंडन प्रक्रिया से जुड़ी सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं और अब वो समय आ गया है जब मात्र 4 दिनों के अंदर ही इस पूरे मिशन को अंजाम दिया जाने वाला है। यह मिशन कितना जरूरी है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसका सीधा प्रसारण हर राज्य, हर देश, हर महादेश के टेलीविजनों पर कराया जा रहा है और लोग बस अपना हाथ जोड़े ईश्वर से बस यही प्रार्थना कर रहे हैं कि किसी हाल में यह मिशन विफल न हो, क्योंकि इसके परिणाम पर ही पूरे धरतीवासी की अस्तित्व टिकी हुई है। सुबह के 6 बजे अंतरिक्ष स्टेशन श्री हरिकोटा से वैज्ञानिकों ने पूरी तैयारी के साथ इस यान को प्रक्षेपित कर दिया है और यह अगले 100 दिनों की लंबी यात्रा के बाद यह यान उस उल्का पिंड के समीप पहुंचने वाला है और फिर मौका देखकर धरती से वैज्ञानिक इसकी भीषण टक्कर उसके साथ कराने वाले हैं। पर इससे पहले वैज्ञानिक इस यान की और उल्का पिंड दोनों की दिशा और रास्ता का विश्लेषण करने में लगे हैं, क्योंकि इनमें अगर 1 डिग्री का भी फर्क देखने को मिलेगा तो यह यान उसके साथ टक्कर में शामिल नहीं हो पाएगा और इनकी महीनों की मेहनत पानी में जाने के साथ साथ लोगों की आखिरी उम्मीद पर भी पानी फिर जाएगा। यही वजह है कि वैज्ञानिक यहाँ 7 दिन और 24 घंटे निगरानी करने में जुटे हैं और अपनी सुपर कंप्यूटर के माध्यम से हर डेटा पर बारीकी के साथ नज़र रख रहे हैं। अभी यह सफ़र करके उल्का पिंड के काफ़ी करीब पहुंच चुका है और इसमें लगा कैमरा अब सामने से आ रहे इस आग के गोले की तस्वीर बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख पा रहा है। यह कितना भयावह है इसका अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि देखने में यह एक विशाल सूर्य की तरह लग रहा है जो ध्वस्त होकर पृथ्वी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है और पृथ्वी भी अपने गुरुत्वाकर्षण क्षमता से इसकी गति में और अभिधान कर रही है। सारी दुनिया की निगाहें अभी बस इस घटना पर टिकी हैं और अंततः कल 25 मई 2077 को रात के 10 बजे इस यान की उस उल्का पिंड के साथ प्रत्यक्ष टक्कर होने वाली है।
धरती का हर इंसान इस मिशन को लेकर इतना चिंतित है कि सभी लोग बस अपने घरों में बैठकर इसी की लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं और यह विनती कर रहे हैं कि इस मिशन का परिणाम उनके पक्ष में आए तथा वो एक भयानक तबाही से बच पाए। अभी रात के 9:55 हो चुके हैं और धरती से भेजा गया यह अंतरिक्ष यान उस उल्कापिंड के बिल्कुल सापेक्ष उससे दो दो हाथ करने को एकदम तैयार है और वैज्ञानिकों ने इसकी स्पीड और भी तेज कर दी है ताकि ये अपनी पूर्ण शक्ति के साथ इस पिंड के साथ टक्कर कर पाए और इसे हजारों छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दे। आज पूरी धरती जो आपको ऐसी दिख रही है यह उस मिशन का परिणाम है जो आज से 3 महीने पहले वैज्ञानिकों ने जीवन को बचाने के लिए निष्पादित किया था। पर आखिर इस मिशन के दौरान ऐसी कौन कौन सी अप्रिय घटना हुई जिसने आज धरती का यह हाल बनाकर रख दिया है और पिछले 3 महीने से यह पूरी धरती मानो एक ज्वालामुखी विस्फोट का अड्डा बन गई है। तो दरअसल जब 25 मई की रात 10 बजे विखंडन प्रक्रिया की शुरुआत हुई और इंसानों द्वारा प्रक्षेपित अंतरिक्ष यान उस उल्कापिंड से टकराया तो निश्चित ही उसे इसे कई टुकड़ों में विभक्त करने में सफलता हासिल हुई। पर उल्कापिंड की शक्ति इतनी ज्यादा थी कि यह महीन टुकड़ों में विभक्त नहीं हो सका और इसके काफी बड़े बड़े टुकड़े एक एक करके धरती के वायुमंडल में प्रवेश करने लगे। पर जैसा कि वैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगाया था कि इस परिस्थिति में ये टुकड़े जल के भस्म हो जाएंगे, ऐसा सिर्फ 5-10% टुकड़ों के साथ ही हुआ था और बाकी टुकड़े एक एक करके जलते हुए आग के गोले की तरह धरती की तरफ बढ़ने लगे जिससे पूरी धरती पर अफरा तफरी मच गई और लोग अपनी जान बचा के इधर उधर भागने लगे। हालांकि इसका आकार अब काफी छोटा हो चुका था और यह डायनासोर युग वाला प्रभाव डालने में सक्षम नहीं था, पर फिर भी इन छोटे टुकड़ों ने धरती पर खूब उत्पात मचाया। तकरीबन 2 महीनों तक ये टुकड़े एक एक करके धरती के वायुमंडल में घुसते रहे और फिर आग के गोले बनकर धरती का सीना दाबते रहे जिसमें कई इंसान, कई जानवर और कई पक्षियों को अपने जान से हाथ धोना पड़ा। भले ही इसमें गलती वैज्ञानिकों की नहीं थी और उन्होंने इस मिशन को 80% तक सफल कर लिया था, पर इन आग के गोलों ने इनके किए कराए मेहनत पर पानी फेर दिया और 3 महीने के अंदर इसने पूरी धरती की जीवन शैली को अस्त व्यस्त करके रख दिया। आज जो आप धरती की यह हालत देख रहे हैं वो उस 2 महीने की गोलाबारी का परिणाम है जिसने फिलहाल के लिए धरती को एक नर्क की तरह बना दिया है। हालांकि 3rd महीने की शुरुआत के साथ अब यह गोले बरसने की घटनाएं काफ़ी कम हो गई हैं और अब धरतीवासी धीरे धीरे एक बार फिर अपनी सभ्यता, अपनी विश्वास की शुरुआत कर रहे हैं, वो भी इस उम्मीद में कि इस 2 वर्षों के अंधकार के बाद एक बार यह धरती उजाले के अंदर प्रज्वलित हो उठेगी और एक बार फिर सब पहले की तरह हो जाएगा। वैसे इसकी शुरुआत भी उनके द्वारा की जा चुकी है और हर देश के सरकार, विशेषज्ञ, वैज्ञानिक सारे धरतीवासी की हर संभव मदद करने को तैयार हैं। बेशक पिछले 2 वर्ष यहाँ के लिए एक बुरे सपना जितना रहा है, पर कहीं ना कहीं वैज्ञानिकों की मेहनत रंग लाई जिस वजह से एक असाधारण खतरा जो कि धरती से जीवन का अस्तित्व मिटाने की शक्ति रखता था उसे सही नीति और सही जज्बे के साथ वैज्ञानिकों ने संभाला और सारे भरसक प्रयास किए जो कि इंसानों, जानवरों, कीड़ों मकोड़ों और हर किसी को सुरक्षित कर सके। हालांकि उन्हें इस बात का मलाल भी है कि उनका वह मिशन 100% सफल नहीं हो पाया, पर प्रकृति के आगे आज तक किस इंसान की चली है। हम सभी इस ब्रह्मांड में एक परमाणु जितने आकार के भी नहीं हैं और इसलिए हमें यह चाहिए कि हम इस सृष्टि की इज्जत करें और इसे इस बात के लिए मजबूर ना करें कि यह हमारी इस स्वर्ग जैसी पृथ्वी के अस्तित्व को ही न मिटा दे।